हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर के टाइप्स वगैरह के बारे में जाना। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर की स्पीड को कैसे मापा जाता है, प्रोसेसर की स्पीड को, इन सब कठिन से कठिन कंसेप्ट को सरल से सरल भाषा में देखने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, अलीशा, साबा, मोहम्मद, इशाक, सोनी, इनशा, रोशन, माया, रजिया, यास्मीन, सौरभ, आप सभी का स्वागत है। आइए मिल करके आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुमार भरत, पेपर का मैं ट्रेनर हूँ, JRF क्वालिफाई किया है और सरल से सरल एक्सप्लेनेशन आप सबको देने की कोशिश करता हूँ कठिन से कठिन कंसेप्ट की। तो अन अकेडमी ज़रूर से ज्वाइन करिए। पेपर वन पेपर टू के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। घर बैठे बैठे आप पढ़ाई को कर सकते हैं बड़े आराम से। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस देते हैं, PDF नोट्स देते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच भी साथ में मिलता है इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं भाई, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दिया है, प्लस का दिया है। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप KB10 कोड का प्रयोग ज़रूर से करें क्योंकि इससे आपको मिलता है पूरे 10% का डिस्काउंट। तो अपने दोस्तों से भी इस कोड को आप ज़रूर से शेयर करें ताकि वो इस डिस्काउंट का लाभ उठा पाएँ। तो प्राइस हाइक हो सकता है कभी भी, इसलिए सब्सक्रिप्शन को आप आज ही ले लें। साबा कह रही हैं उनका आज बर्थडे है। चलिए भाई, आप सबको जिनका भी आज बर्थडे है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, साबा आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन से आप अपने लक्ष्य की ओर और ज़्यादा तेज़ी से जा पाएंगे और जो भी आप कामना करते हैं, विश करते हैं अपने जीवन में अचीव करने के लिए, उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन देखी, कंप्यूटर के हम लोग ने कल टाइप्स देखे और साइज़ के आधार पे उसके टाइप्स देखे, सुपर कंप्यूटर क्या होता है इसको देखा, जनरेशंस देखी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई इसको हम लोग ने कल देखा, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये भी हमने देखा, टाइपिंग डिवाइस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या है और पॉइंटिंग डिवाइस कितने प्रकार की हो सकती है, टच स्क्रीन, टच पैड, माउस, इन सबको हमने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा पेन टैबलेट भी, जिसको देखो आप लोग, देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसी पे जितने एजुकेटर्स हैं पेन का प्रयोग करके लिखते हैं, ये भी एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग डिवाइस है क्योंकि अगर देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो कर्सर मूव होता है, पॉइंट मूव होता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। डिफरेंस इतना है कि ये जो इनपुट डिवाइस आप देख रहे हैं इसमें कोई भी तार नहीं है। तो आप सबसे क्वेश्चन है कि अगर किसी डिवाइस में तार नहीं होता और वो वायरलेसली चलती है तो उसमें तार की जगह पे कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये आप लोग कमेंट में बताएं। ये भी देखते हैं किसको ये बात पता है और कितने लोग ये कंसेप्ट जानते हैं वायरलेस, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैन, मैन, वैन, पैन, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो हैं इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, क्लास हुई, नोटिफिकेशन नहीं मिला, आप सबको पता है 2 बजे के करीब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ओके, आयशा कह रही हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ओके, सेंसर लगा हुआ है, BT है। हाँ, तो जो भी आप अपने डिवाइसेस यूज़ करते हो और उसमें तार नहीं होती है तो वो ब्लूटूथ होता है। और यहाँ जैसे सम्यक कह रहे हैं वाईफाई, नितिश कह रहे हैं इंफ्रारेड लैन, तो ध्यान से समझ लेना, जब भी कोई डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट होती है और वो केवल एक डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है तो वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है। राव कह रहे हैं RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एक तरीका है, बट उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। पैन की हम लोग बात करते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में, तो उसमें पैन आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें कि ब्लूटूथ यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर कोई डिवाइस एक डिवाइस से कनेक्ट हो पा रही है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रिंटर है, ठीक है जी, या मान लो कि जैसे आपके हेडफोन्स हैं, तो हेडफोन्स 2 डिवाइस से तो एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। वायरलेसली हेडफोन जो है आपका एक डिवाइस से, चाहे फ़ोन से कनेक्ट करो, लैपटॉप से कनेक्ट करो, तो वहाँ ब्लूटूथ यूज़ होगा।
लेकिन अगर प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर भी वायरलेस हो सकता है, लेकिन क्या प्रिंटर मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। हेडफोन को मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करना समझदारी नहीं है, नहीं तो इधर का भी साउंड आ रहा है एक डिवाइस का, दूसरी डिवाइस का भी आ रहा है। तो जहाँ एक डिवाइस का वायरलेस कनेक्शन चाहिए होता है, वहाँ पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ यूज़ होता है। और जिस गैजेट को मल्टीपल चीज़ों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे प्रिंटर का हमारे सामने चित्र दिया हुआ है, इसको हम फ़ोन से भी इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, एक लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से भी, दूसरे कंप्यूटर से भी, तो जब मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ वाईफाई यूज़ होता है। तो इसलिए जो वायरलेस प्रिंटर होगा वो आपका ब्लूटूथ नहीं यूज़ करेगा, वो आपका वाईफाई यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपके हेडफोन होंगे, पेन टैबलेट होगा, कोई दूसरी एसेसरी होगी, वॉच होगी, जैसे फिटनेस बैंड जो होता है अगर वो होगा, तो ये क्योंकि एक डिवाइस से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ब्लूटूथ यूज़ होता है। ठीक है, हाँ, जैसे विधि कह रही हैं स्मार्ट वॉच के लिए। तो चलिए, हमने कल मॉनिटर तक बात कर ली थी, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं। आज हम यहाँ पे प्रिंटर की थोड़ी बात करेंगे और इसी के साथ थोड़ी आउटपुट डिवाइसेस की भी बात कर लेते हैं। तो प्रिंटर के टाइप्स पे क्वेश्चन आ चुका है, किस किस टाइप के प्रिंटर जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं और किसकी क्या टेक्निक होती है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। स्मार्ट टीवी यहाँ पे रोहित ने पूछा है कि स्मार्ट टीवी ऑल्सो, देखो स्मार्ट टीवी में दोनों चीज़ें होती हैं, ब्लूटूथ से वो रिमोट को कनेक्ट करता है और वाईफाई से वो इंटरनेट लेता है, तो वाईफाई और ब्लूटूथ स्मार्ट टीवी में दोनों होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर की यहाँ बात करते हैं। प्रिंटर आपको पता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, इसके अंदर ये कोई इमेज लेता है, कोई फोटो लेता है और बाहर ये प्रिंट आउट के रूप में निकालता है, तो आउटपुट निकालता है। अब प्रिंटर कई टाइप के होते हैं, तीन चार प्रिंटर की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर दूसरे हमारे होते हैं लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर, मतलब वो प्रिंटर जो केवल कैरेक्टर्स को ही छाप सकते हैं, उसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं छाप सकते हैं। जैसे अगर हम टाइपराइटर की बात करें, तो टाइपराइटर की सारी जो सुई पन्ने पे टकराती हैं उनमें ABCD कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। वैसे ही अगर इसको ऑटोमेटिक बना दिया जाए, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो कोई चित्र प्रिंट आउट करके नहीं निकाल पाएगा, वो केवल कैरेक्टर ABCD123 ही टाइप करके निकाल पाएगा। तो कैरेक्टर प्रिंटर में हमारा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें एक हेड होता है, एक कांटा होता है जो कि अक्षर बनाता है ऐसे करके। तो आपने कभी कोई मार्कशीट अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से लाए हो, कोई बिल जैसे गैस का बिल, किसी के पास इंडेन वगैरह का अगर LPG का बिल आता हो, तो आप देखते हैं कि उसमें अक्षर जो हैं वो ऐसे डॉट डॉट करके बने रहते हैं। ये जो प्रिंटर होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। और इस प्रिंटर के पेज की खासियत ये होती है कि जैसे ये आपका पेज है जिसपे कि इसको प्रिंट करना है, तो साइड में पेज की पकड़ के लिए ऐसे गोले छेद बने रहते हैं। तो आपने कई ऐसे बिल देखे होंगे, अपनी मार्कशीट देखी होगी, या चेक जो आप बैंक से लेते हो, तो उसमें क्या होता है, साइड में डिमांड ड्राफ्ट जो लेते हो साइड में से गोले बने रहते हैं। ये प्रिंटर में कागज पकड़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और आपको मज़ा भी आता होगा जब मार्कशीट आपके पास आई और साइड का फाड़ के निकालते हो कि बीच उसमें गोले गोले से बने रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज होता है डॉट मैट्रिक्स का होता है, इसमें एक सुई होती है जो कि बार बार डॉट लगा करके किसी कैरेक्टर को बनाती है। सर, AC में क्या लगता है जब हम फ़ोन से कंट्रोल करते हैं? निश्चित रूप से सिंपल सी बात है कि क्या AC कई लोगों द्वारा कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी मम्मी भी चाहे AC कंट्रोल कर लें, आप भी चाहे AC कंट्रोल कर लें, कोई भी आए AC कंट्रोल कर लें, तो वो AC में वाईफाई होता है, ठीक है, उसमें ब्लूटूथ नहीं होता। और इसके बाद दूसरे प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि वो प्रिंटर जो इम्पैक्ट नहीं डालते, मतलब एक एक अक्षर को टाइप नहीं करते, वो पूरी चीज़ टाइप करते हैं। तो आप उसमें टेक्स्ट भी टाइप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, उसमें कोई पिक्चर का भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, वो पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल देते हैं। तो यहाँ ये दो टाइप के होते हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर महंगा होता है, इंकजेट प्रिंटर सस्ता होता है। लेज़र प्रिंटर फास्ट होता है, इंकजेट प्रिंटर स्लो होता है। लेज़र प्रिंटर ड्राई इंक यूज़ करता है, इंकजेट प्रिंटर वेट इंक यूज़ करता है, लिक्विड इंक यूज़ करता है। लेज़र प्रिंटर का एग्जांपल है आपकी फोटोकॉपी की मशीन, जो कि जल्दी से फोटोकॉपी निकालती है, और इंकजेट प्रिंटर जो यहाँ बना हुआ है
ये जब आप कलर कोई फोटो निकलवाने जाते हो तो धीरे धीरे खच 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 करके निकालता है आपका प्रिंट आउट, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आया था प्रीवियस ईयर में कि कौन सा प्रिंटर जो है वो ड्राई इंक लेता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपका लिक्विड इंक लेता है, उसके रिबन में लिक्विड इंक होती है। इंकजेट प्रिंटर भी लिक्विड इंक लेता है। अगर आपने किसी साइबर कैफे की दुकान पे देखा हो तो ऐसे साइड में किसी किसी प्रिंटर के बॉटल भी लगी रहती हैं, चार पांच कलर की। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है, जैसे कलर फोटो निकलता है और थोड़ा स्लो निकलता है, और ये जो इस तरीके का दिखता है दुकानों पे, इसमें लिक्विड इंक डलती है। और लेज़र प्रिंटर जो है वो ब्लैक एंड वाइट के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अगर कलर लेज़र प्रिंटर से करवाएंगे तो एक तो कलर एक्यूरेट नहीं आएंगे और ऊपर से वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। इसलिए मार्केट में फोटोकॉपी की मशीनें ब्लैक एंड वाइट ही आती हैं, और उसके लिए फिर आपको इंकजेट प्रिंटर लेना पड़ता है कलर के लिए। हाँ, डॉट वाला प्रिंटर कुछ लिखने के लिए, टिकट काटने के लिए, बिल काटने के लिए यूज़ होता है। डॉट मैट्रिक्स ड्राई या लिक्विड? लिक्विड इंक यूज़ होती है सारे प्रिंटर्स में, केवल लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक यूज़ होती है। आपने कभी देखा होगा, आप कभी फोटोकॉपी निकलवाने गए और वहाँ पे जो भैया थे, क्या हुआ कि प्रिंटर चलना बंद हो गया या फिर वो पेज मोड़ मोड़ के निकाल रहा है, तो क्या करते हैं? आपने सबने देखा होगा कि फोटोकॉपी का मशीन खोलते हैं, एक ड्रम होता है, एक रोल होता है काले रंग का, उसको निकालते हैं, सेट करते हैं, तो उससे फिर प्रिंटर सही, आप उनका जो फोटोकॉपी मशीन है वो सही काम करने लगती है। तो वो ड्राई इंक, ड्राई पाउडर होता है काले रंग का उसके अंदर, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। एक प्रकार का मॉनिटर है जो कि दीवार के ऊपर इमेज बनाता है, एक लेंस होता है, इस लेंस से यहाँ पर रोशनी निकलती है और वो दीवार पर बड़ी सी पिक्चर बनाती है। सिनेमा हॉल में भी आप प्रोजेक्टर देख सकते हैं, कहीं मीटिंग होती है, ऑफिस वगैरह में भी आप प्रोजेक्टर देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रोजेक्टर होते हैं, LCD प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, या फिर DLP प्रोजेक्टर, यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए DLP और LCD दो प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं प्रोजेक्टर में अवेलेबल होती हैं। कीबोर्ड में क्या कुछ संदेश निकल करके आता है कंप्यूटर से, या कुछ संदेश अंदर भेजते हो कंप्यूटर के, तो इसी में जवाब छुपा है इस लाइन में कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। व्हाई लेजर प्रिंटर इज कॉल्ड सो, हाउ इज लेजर यूज्ड? लेजर प्रिंटर को लेजर प्रिंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक लेजर होती है। लेजर का मतलब, जब आप फोटोकॉपी की मशीन देखते हो तो देखते हो कि नीचे एक लाइट स्कैन करते हुए जाती है, एक लेजर होती है जो आपके डॉक्यूमेंट पे रोशनी फेंकते हुए जाती है, और साथ में कैमरा होता है जो उस रोशनी, उस ज़्यादा रोशनी में आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ता हुआ जाता है, इसलिए उसको लेज़र प्रिंटर कहते हैं। क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जस्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इसके लास्ट ईयर के नहीं डाले हैं क्योंकि उसके लिए मैंने लास्ट कोर्स बनाया था। तो जब भी मैं नया कोर्स बनाता हूँ, जस्ट लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डालता हूँ, और इससे पुराना जो ICDA कोर्स है उसमें और पुराने ईयर के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो जब भी मैं कोई कोर्स बनाता हूँ तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जिसमें आपका होता है ALU, CU एंड MU। शॉर्ट में समझ लेते हैं, मेमोरी यूनिट मतलब जो स्टोरेज का काम संभालता है, मतलब कि आपके स्टोरेज डिवाइस तक संदेश पहुँचाने का काम संभालता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो मेन यूनिट है, जो गणनाएं करने का काम करता है, क्योंकि आपके CPU या प्रोसेसर का काम प्रोसेसिंग करना ही है, एल्गोरिदम पे काम करना है। और कंट्रोल यूनिट जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को संभालता है। तो ये तीन चीज़ें हैं CPU के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हैं, बस एक एक लाइन में इसको समझना है। मेन चीज़ जिस पे क्वेश्चन बनता है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे है। CPU की स्पीड के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से समझते हैं कि CPU की स्पीड क्या होती है। तो आप सबको तो ये पता होगा, जिस CPU की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपकी डिवाइस उतनी फास्ट काम करेगी। क्या आपके पास कोई ऐसा पुराना सा लैपटॉप है जिसको आप ऑन करते हो तो ऑन ही होता रहता है, अगर उस पर आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो खुलती ही रहती है, लोड ही होता रहता है, गोल गोल चक्र घूमता रहता है? अगर वो पुराना लैपटॉप है तो निश्चित रूप से ये संभावनाएं हैं कि आपके लैपटॉप का CPU बहुत पुराना है, और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा गणनाएं प्रति सेकंड करने वाला CPU रिक्वायर्ड होता है।
बिल्कुल, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्वयं के लिए कोर्स में एनरोल किया है, चलिए बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश आओ घूमने, जी हाँ बिल्कुल आऊँगा, तो मैं आपको सचिन जी बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो सीपीयू की स्पीड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो भाई क्या होता है कि हम आप सबको पता है, कोई भी मशीन आप चलाते हो उसमें बैटरी ज़रूर लगती है, बिना बैटरी के कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम ही नहीं कर सकती। तो एनर्जी सोर्स बैटरी होता है, उसमें से ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, उसी से आपकी मशीन कोई भी चलती है। तो जो ये सीपीयू होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए संदेश गया, इनपुट गया और आउटपुट आया, तो अब ये संदेश जो है ये पूरे सर्किट में घूमता है। अब ये संदेश क्या है इनपुट के रूप में, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही बैटरी की ऊर्जा है जो कि इनपुट रूप में अंदर गई है और बाहर निकल के आएगी। तो ये एक पूरा चक्कर लगाती है पूरे सर्किट के अंदर, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर क्या है, पूरा सर्किट है। सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब उसके अंदर इनपुट भेजा जाता है तो वो पूरा चक्कर लगाता है, सारे उसके अंदर ट्रांजिस्टर और आईसीज वगैरह से होते हुए बाहर निकलता है। तो ये जो एक चक्कर है, ठीक है, ये जो एक चक्कर है ये एक हर्ट्ज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सीपीयू की स्पीड है इसको हम लोग कहते हैं क्लॉक स्पीड। क्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गया उसने पूरा एक घड़ी के भांति चक्कर लगाया। ठीक है, विद एवरी टेक ऑफ द क्लॉक द सीपीयू फेचेस एंड एक्सिक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन। तो जैसे एक इंस्ट्रक्शन आपने दिया, आपने एक जीरो या एक वन दिया, तो ये जब आप इनपुट करोगे तो एक पूरा चक्कर लगा के बाहर आउटपुट करके निकलेगा। तो अगर किसी प्रोसेसर में केवल एक सेकंड में एक साइकिल ही घूम पाती है, मान लो हमने इनपुट दिया और ये एक साइकिल घूम करके बाहर आया एक सेकंड के अंदर, तो ऐसे प्रोसेसर की स्पीड जो है वो एक हर्ट्ज कही जाएगी कि एक हर्ट्ज का प्रोसेसर है, एक हमने इंस्ट्रक्शन दिया, एक सेकंड में पूरा क्लॉक वाइज घूम करके बाहर निकल आया। तो क्लॉक स्पीड कितनी कही जाएगी किसी सीपीयू की, 1 हर्ट्ज, जो कि बहुत कम है। आजकल के जो सीपीयूज होते हैं वो गीगा हर्ट्ज में होते हैं। गीगा हर्ट्ज का मतलब है एक हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा, जैसे एक बिट और गीगा बिट में अंतर होता है ना, वैसे ही एक हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में अंतर होता है। इसका मतलब कि आजकल का सीपीयू इतना फास्ट है कि यहाँ पे कई मिलियन, जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर किसी प्रोसेसर की स्पीड मान लीजिए अगर 2 गीगा हर्ट्ज है तो प्रति सेकेंड में 2000 मिलियन साइकिल्स चला सकता है एक सेकंड के अंदर। मतलब इतनी तेज़ वो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, घूम करके बाहर निकल रहे हैं कि एक सेकंड में 2000 मिलियन प्रोसेसर वो कर लेगा। और ये भी कम पड़ते हैं क्योंकि आजकल के जो प्रोसेसर हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज तक जा रहे हैं अच्छे वाले। तो 5 गीगाहर्ट्ज अगर कोई प्रोसेसर संभालता है तो आप सोच सकते हो कि कितनी तेज़ इनपुट ये अंदर ले रहा है और कितनी तेज़ घुमा घुमा के बाहर निकाल रहा है, ये हर्ट्ज कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि सीपीयू की स्पीड क्या कहलाती है। एक ऑप्शन आता है गीगाबाइट्स, एक ऑप्शन आता है गीगाहर्ट्ज। तो बहुत बच्चे गलती से गीगाबाइट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जबकि ये एक्चुअली गीगाहर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर टास्क मैनेजर का एक स्क्रीनशॉट आप सबके सामने दिया है, आप अपने विंडोज़ लैपटॉप में टास्क मैनेजर सर्च करके देख सकते हो। इसमें परफॉर्मेंस टैब में जब आप जाओगे तो यहाँ आपको सीपीयू की स्पीड दिखाई देगी कि कितनी मैक्सिमम सीपीयू की स्पीड है। ठीक है, एनटीए ने मई 2001 में नोटिफिकेशन दिया है, जो इंग्लिश भरेगा उसके लिए एक ही ऑप्शन है। जो बेटा इंग्लिश भरेगा मतलब पेपर 2 में जो इंग्लिश भरेगा उसको हिंदी नहीं मिलती है। भाई अगर आप पेपर 2 में इंग्लिश देने जा रहे हो तो हिंदी क्यों पढ़ोगे, आप तो इंग्लिश के ही स्टूडेंट हो। लेकिन बाकी के लिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, आप परेशान ना हो। अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश नहीं है तो आपको हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने स्पीड समझ ली, अब हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है, रजिस्टर मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि हमारा जो सीपीयू है वो चीज़ों को प्रोसेस करता है, मतलब कि उसको कोई पजल भेजा तो पजल को सॉल्व करके उसका आउटपुट देगा। जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग भी तो यही करता है। मान लो आप मुझे इनपुट देते हो कि सर मेरा नेट नहीं हो रहा, मैं बार बार 1-2 नंबर से रह जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन जा रहा है,
प्रोसेस हो रहा है आपके परेशानी के हिसाब से, एंड देन मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूँ। ये हम भी करते हैं, ये कंप्यूटर भी करता है। लेकिन मान लीजिए कि सेम वही क्वेश्चन अगर दूसरा कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है, तो क्या मैं बार बार उस क्वेश्चन पे दिमाग खर्चा करूँगा? ऐसे तो मेरा दिमाग कम हो जाएगा। इसलिए अपने डेली रोज़मर्रा के लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस में अपने दिमाग का खर्चा बचाने के लिए हमारे दिमाग में मेमोरी भी होती है कि जो काम बार बार हो रहा है या जो क्वेश्चन मेरे सामने बार बार आ रहा होगा, हर बार मैं अपना दिमाग उस पर नहीं लगाऊंगा, हर बार उसको सोचने में मैं अपना टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा। हो सकता है पहली बार किसी स्टूडेंट ने पूछा हो तो मुझे दिमाग लगाना पड़ा हो, बट जो उसका आउटपुट आएगा मैं अपने दिमाग की मेमोरी में उसको सेव करके रख लूँगा। अब दूसरी बार अगर सेम क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पूछेगा तो वो जो सेव करके मैंने वो आंसर रखा हुआ था वो मैं उसको बता दूंगा। इसी को अनुभव कहते हैं, यानी कि जो अनुभवी डॉक्टर है, कहते हैं ना अनुभवी डॉक्टर है तुरंत इलाज बता देता है, अनुभवी टीचर है तुरंत प्रॉब्लम का सलूशन बता, तुरंत पढ़ा देता है। वो क्यों पढ़ा देता है? क्योंकि पढ़ा पढ़ा के दिमाग को प्रोसेस कर करके उसने अपनी मेमोरी में बहुत सारी बातों को इकट्ठा कर लिया है। तो यही कंप्यूटर में भी सीपीयू ही अगर बार बार प्रोसेस करेगा तो सीपीयू तो थक जाएगा, तो इसलिए जो आउटपुट निकल के आता है उसको सेव करने की व्यवस्था होती है ताकि दोबारा जब चाहिए हो तो सीपीयू को बार बार बहुत मेहनत ना करनी पड़े, आपको भी मेहनत ना करनी पड़े। जैसे आप कोई टाइप कर रहे हो कोई डॉक्यूमेंट, तो भाई वहाँ पे सेव करने की व्यवस्था है, मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाएगी, बार बार आपको डॉक्यूमेंट नहीं टाइप करना है, ठीक है? तो वो सीपीयू के लिए है कि बार बार आपको टाइप ना करना पड़े, जो आउटपुट निकल के आता है वो सेव हो जाता है कहीं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी काम करती है, जो कि दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखो आप मेमोरी जो आपका याददाश्त है वो दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे मान लो आप अपने एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज लगा रहे हो, तो आप लोग के साथ बहुत बार होता है कि पैसेज पढ़ लिया, समझ में आ गया, भूल गए, और फिर क्वेश्चन पे आए तो फिर जाना पड़ता है पैसेज के ऊपर कि अरे पढ़ा गया था, बहुत लोग के साथ होता होगा। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो पूरा पैसेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं पैसेज के हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर फिर से जाते होंगे, ज़्यादा नहीं जाते हैं, भूलते नहीं हैं। आम आदमी के साथ क्या होता है, लाइन पढ़ी नहीं कि पुराना भूल गए, फिर आगे लाइन पर बढ़े तो याद आ रहा है पिछले लाइन में क्या लिखा था, हम तो भूल गए। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं करंटली, तो जो चीज़ें बोल दी जाती हैं या हो जाती हैं उसको दिमाग में व्यवस्थित करने की जो एनर्जी होती है वो फास्ट एनर्जी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यानी कि जो बंदा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज कर रहा है, अभी वो स्टोरी को पढ़ रहा है, समझ रहा है, सबसे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाते ही उस पैसेज को भूल जाएगा, क्योंकि उस करंट काम को करने के लिए आप शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ करते हो। वही शॉर्ट टर्म मेमोरी कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जब कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, उस एप्लीकेशन के रन होने के दौरान जितनी मेमोरी चाहिए हो, जिसकी बाद में ज़रूरत नहीं है जब वो ऐप बंद हो जाए, तो उस प्रोसेस को करंटली करने के लिए जिस मेमोरी की ज़रूरत होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, जिसमें रैम एक मेमोरी होती है, इसके अलावा रजिस्टर कैश होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब कोई करंट काम करते समय हम जब कुछ चीज़ों को जब याद रखते हैं इस काम के लिए केवल, बाद में भूल जाते हैं जब वो काम ओवर हो जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। कंप्यूटर में भी सेम चीज़ प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हमको बहुत समय तक याद रखनी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ाई करी है नेट के लिए, हो सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ रही है। कब माना जाएगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ गया? जब आप एग्ज़ाम में भी इसको याद कर पाएंगे, इसका मतलब जब आपको ज़रूरत हो, एक ऐसी मेमोरी भी होती है कि जब आपको ज़रूरत हो तो वो तुरंत वैसा जैसे डाला गया था आप बाहर निकाल पाओ, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी जिसमें चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकती हैं, जिसको परमानेंट बनाने, जिन चीज़ों को परमानेंट बनाने की ज़रूरत होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। जिन चीज़ों को इस समय कोई काम करते समय दिमाग में थोड़ी देर डालना पड़ता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। वही सेम कंप्यूटर में जब कोई ऐप रन करती है उसको चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी में डेटा जाता है, और अगर कोई डेटा सेव करना है लॉन्ग टर्म के लिए ताकि बाद में भी एक्सेस किया जा सके, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो स्टोरेज है।
बहुत लोग कहते हैं मेमोरी नहीं होती है, स्टोरेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी भी इसको बोला जाता है, स्टोरेज भी बोला जाता है। ये बाद के लिए एक तरीके की लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और ये एक प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप सबने गजनी मूवी देखी होगी, जिसमें आमिर खान जो होता है किसी से बात कर रहा है, किसी का नाम जन रहा है, उसको नाम वाम सब याद रहेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से बात गई, वो कहीं और गया, वो जिससे बात कर रहा था उसको तुरंत भूल जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेटा जाता नहीं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेटा टिकाने के लिए, उस आदमी को बहुत देर तक याद रखने के लिए, उसे सबकी फ़ोटो खींच के उस पर उसका नाम लिखना पड़ता है। तो वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी थी जो उसके झोले में रहती थी। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर की संरचना देखें, तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज हैं, ये कंप्यूटर का काम सुचारू रूप से चलता रहे इसलिए होती है, करंट वर्क सही से चलता रहे, और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा आउटपुट आया है उसको सेव करने के लिए होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये रजिस्टर मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, एंड प्राइमरी मेमोरी क्या है। इसको ज़रा हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो एक इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी जो है ये हमारी वॉलेटाइल होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी ये नॉन वॉलेटाइल होती है। अब इसका क्या मतलब है? वॉलेटाइल मेमोरी होने का मतलब ये है कि जब भी कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दिया जाता है तो वो डेटा साफ हो जाता है उस मेमोरी के अंदर से। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि भले कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए, हार्ड डिस्क बाहर निकाल दी जाए, तब भी डेटा उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हटने वाला डेटा नहीं है, जबकि रैम का डेटा जो है वो हटने वाला होता है। अब ऐसा क्यों होता है? सेम जैसे हमारा दिमाग काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो बातें डाल के आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज लगा रहे हो, इस डेटा की ज़रूरत एग्ज़ाम ख़त्म होने हो जाने के बाद थोड़ी है। तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अपने आप क्लियर हो जाती है, उसको क्यों भर के रखना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज क्या पूरी रात दिमाग में चलता है? नहीं चलता है, भूल जाते हो, वहाँ पर सॉल्व करा, समझ में आया, बाद में भूल गए। वैसे ही जो ऐप्स आपने करंटली खोली हुई हैं, जो काम आप कर रहे हो, डॉक्यूमेंट खुले हैं, उनको उसी समय तो याद रखने की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, कि वो बाद में भी याद रखेगा मैंने कौन सी ऐप खोली थी, नहीं कंप्यूटर वो याद नहीं रखता। तो इसलिए मेमोरी वॉलेटाइल होती है कि करंट काम कर लिया, बस इसका इतना काम था, बाद में वो मेमोरी क्लीन हो जाती है। और नॉन वॉलेटाइल होती है सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज, जो इसमें हम लोग को बाद में कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना हो तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये परमानेंट डेटा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बात करते हैं कितने टाइप की प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। ये चार टाइप की होती हैं। एक होती है रजिस्टर, एक होती है कैश, एक होती है रैम, और एक होती है रोम। तो अभी हम लोग रोम की इसमें बात नहीं कर रहे हैं, रोम एक अलग चीज़ है जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये जो जब भी हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, तीन चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी और रैम, ये तीन मेमोरीज, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। करंट एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट्स जो खुले रहते हैं वो रैम में रहते हैं। आप सबके फ़ोन में रैम का अच्छा एग्जांपल है जो कभी कभी आप होता है ना कि ऐप स्विच करते हो, कि आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स खुली रहती हैं, आप स्लाइड करके सारी ऐप्स देख सकते हो, आपने व्हाट्सएप भी खोला है, क्रोम वगैरह भी खोला है, तो वो सारी ऐप्स आपके रैम के अंदर रहती है, क्योंकि करंट ओपनड आपकी एप्लीकेशन से वो सारी ऐप्स हैं सारी। पबजी में नॉन वॉलेटाइल, बेटा दोनों चीज़ों से आपका पबजी चलता है, कोई भी गेम चलता है। पबजी जो डाउनलोड कर लिया है वो नॉन वॉलेटाइल है, लेकिन उस समय करंटली जो पबजी आपके सिस्टम में रन कर रहा है वो वॉलेटाइल मेमोरी में कर रहा है, तभी तो पबजी चल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, रैम जो है वो फास्ट मेमोरी होती है, कैश मेमोरी उससे फास्ट होती है, और रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होती है। कैश और रजिस्टर जो हैं ये दोनों आपके सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर होते हैं, रैम मेमोरी जो है ये आपकी बाहर मदरबोर्ड पे लगी रहती है। तो डेटा जो है, अगर हम डेटा का फ्लो देखें, अगर तो जैसे अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पबजी जो है क्या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से आता है, वॉलेटाइल मेमोरी से आता है। जब कोई ऐप या कोई गेम आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपका जो स्टोरेज है या सेकेंडरी मेमोरी है
उसमें कोई ऐप इंस्टॉल होती है, प्ले स्टोर से कुछ भी इंस्टॉल करते हो, कहीं चला जाता है क्या, डिलीट हो जाता है क्या? नहीं, वहीं रहता है, मतलब वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज में ऐप इंस्टॉल होती है। लेकिन जब इस ऐप पे क्लिक करके आप इसको रन करते हो तो इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो रैम के अंदर आ जाता है, क्योंकि अब ये ऐप ओपन हो गई है, इसका बहुत हिस्सा रैम के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहना है, क्योंकि इस समय कंप्यूटर पबजी की बात कर रहा है, तो इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पबजी अगर रैम में जाएगा तभी प्रोसेस उस प्रोसेसर जो है उसको इंस्टेंटली प्रोसेस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है लेकिन आपको वो यूज़ करनी है, तो आप बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा एग्जांपल भाषा का है, आप लोग इंग्लिश सीखते हो, सारी ग्रामर पढ़ते हो, पूरी ग्रामर आपको पता है, इज एम आर कहाँ लगेगा, आई एम कहाँ लगेगा, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्रामर आपने रटी है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाली है। भाषा जब बोलते हो तो सारा ज्ञान शॉर्ट टर्म मेमोरी में होना चाहिए, इंस्टेंट ग्रामर निकलनी चाहिए, इंस्टेंट सेंटेंसेस बनने चाहिए। तो हम तो कंप्यूटर नहीं है ना कि हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ग्रामर रट के डाल ली, जब हम बोलने जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म, इंसान के बुद्धि में ऐसा होता नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। मशीन में ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ की आवश्यकता तुरंत है, इंस्टेंट है, वो चीज़ आपकी हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी से निकल करके रैम में चली जाती है, ताकि इंस्टेंटली ये रैम आपके प्रोसेसर को डेटा दे पाए। इसलिए रैम फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। आपकी भी सेकेंडरी मेमोरी स्लो है, मान लो कोई चीज़ आपने याद करी, तुगलक का जन्म कब हुआ था, अब हो सकता है कहीं पढ़ा हो आपके सेकेंडरी मेमोरी में, तो आप सोचोगे रुको रुको बताता हूँ 1789 में इसमें उसमें, क्यों? क्योंकि इंस्टेंट डेटा नहीं है। लेकिन मान लो आप एक हिस्ट्री के टीचर हो, डेली वही पढ़ा पढ़ा के वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी आ जाएगा, तो जो भी आपसे कोई ईयर पूछा जाएगा आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि वो अभी आपके दिमाग में पड़ा है, अभी क्लास लेकर के आ रहे हो। तो यही कंप्यूटर में भी होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्लो होती है, डेटा रखा रहता है, लेकिन जब उसको ओपन करना होता है तो रैम में आ जाता है, रैम फास्ट होती है और तुरंत वो प्रोसेसर को डेटा प्रोवाइड कर पाती। अब प्रोसेसर के अंदर और दो मेमोरीज होती हैं जो एक तरीके की छोटी रैम होती हैं, रैम का ही काम करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। तो रैम से डेटा पहली बार कैश में जाता है, कैश में कुछ डेटा इकट्ठा रहता है, ये रैम से फास्ट होती है, एंड देन कैश से कुछ डेटा रजिस्टर में जाता है, यहाँ इकट्ठा रहता है, तो प्रोसेस करने में आसानी हो जाती है प्रोसेसर को। अगर मान लो आपको पानी पीना है और पानी जहाँ आपको मिलता है वो आपके स्थान से 10 मीटर दूरी पे, तो आपको पानी पीने में दिक्कत होगी ना। मान लो आप बार बार पानी पीते हो तो 10 मीटर पैदल चल के जाओगे, फिर आओगे बैठोगे, फिर एक गिलास पियोगे, फिर बैठोगे, तो ऐसा हो कि एक बोतल ही भर करके आप अपने बगल में रख लो तो आप भी आराम से पानी पी पाओगे, जब बोतल ख़त्म हो फिर जाना थोड़ा दूर, तो थोड़ा दूर जाना की कमी आ जाएगी, जल्दी जल्दी पानी पी पाओगे। वही प्रोसेसर भी करता है, कुछ डेटा बगल में रख लेता है अपने अंदर कैश में और रजिस्टर में, तो अब जब इसको डेटा की ज़रूरत हो तो बार बार इसको रैम पे नहीं जाना पड़ता, वो उसने कुछ डेटा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है उसने अपने पास रख लिया है, अब जब भी ज़रूरत होती है वहाँ से ले लेता है। तो क्वेश्चन क्या बन के आता है, इसको ध्यान से देख लेना, कभी कभी आपको कुछ मेमोरी के टाइप्स दिए होते हैं और पूछा जाता है इसमें फास्ट से स्लो की ओर अरेंज करो, तो यहाँ पे सबसे फास्ट है, पहले दर्जे पे रजिस्टर है, दूसरे दर्जे पे कैश है, तीसरे दर्जे पे रैम है, एंड चौथे दर्जे पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज है। सेकेंडरी मेमोरी को भी अगर हम लोग आगे वाले भागों में बांटें, अभी हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे, तो दो तरीके की ये मेमोरी हो सकती है या तीन तरीके की हो सकती है, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी। तो इनमें भी एसएसडी जो है सबसे फास्ट है, हार्ड डिस्क इससे स्लो है और सीडी ड्राइव सबसे स्लो है। अगर फ्लॉपी का भी एग्जाम्पल हो तो फ्लॉपी सबसे पीछे आती है रेस में। तो ये रैंकिंग बहुत बार पूछी जाती है कि कौन सी मेमोरी फास्ट है या कौन सी मेमोरी स्लो है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो समझ में आया हो तो बताइए कमेंट में, और नहीं समझ में आया हो तो बताइए। तो हमने इन सारी मेमोरीज की बात की, रजिस्टर, कैश, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, सीडी रोम, ये वो। हमने अभी तक रोम की बात नहीं की। रोम भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है,
लेकिन कंप्यूटर की एप्स को या डेटा को प्रोसेस करने या ऑपरेट करने में रोम का कोई हाथ नहीं है, इसलिए अभी हमने उसको अलग रखा है। ठीक है बेटा, रजिस्टर मेमोरी प्रोसेसर के अंदर होती है, उसका एग्जांपल क्या होगा, एक छोटी सी मेमोरी होती है कुछ प्रोसेसर के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रोम की, जो कि फुल फॉर्म है जिसका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये कंप्यूटर को ऑपरेट जब करंट ऑपरेशन चल रहा होता है उसमें काम नहीं आती। ये कुछ कोडिंग होती है, ये कुछ प्रोग्रामिंग होती है जो कि रोम के अंदर इकट्ठा होती है। रीड ओनली मेमोरी है इसका फुल फॉर्म, और इसको एडिट हम लोग नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर को चलाने के लिए एक बेसिक प्रोग्रामिंग होती है जिसको हमें एडिट नहीं करना, हम एडिट कर देंगे हार्डवेयर ही खराब हो जाएगा, हार्डवेयर ही नहीं चलेगा। ये कुछ सर्टेन ऑर्डर्स हैं, कुछ सर्टेन प्रोग्रामिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी हार्डवेयर को चलने के लिए, ये रोम में रहती है। कोई भी हार्डवेयर, कोई भी मशीन होती है उसमें कुछ सर्टेन प्रोग्रामिंग अंदर बेस में डली रहती है, और हर एक मशीन के अंदर एक चिप लगी रहती है जिसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर में भी होती है, और जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो सबसे पहले रोम में पावर जाता है, क्योंकि इसकी जब प्रोग्रामिंग रन होती है तभी हार्डवेयर जागता है, और तभी वो दूसरी चीज़ें, विंडोज़ चल रहा है, एंड्रॉयड चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करता है। अगर रोम में ये सर्टेन प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर टर्न ऑन ही नहीं होगा, और इसीलिए रैम और रोम दोनों को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी, जिसके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अगर रोम कंप्यूटर की ख़राब हो गई तो भी नहीं चलेगा, रैम खराब हो गई तो भी नहीं चलेगा। सेकेंडरी मेमोरी अगर ख़राब हो भी जाए तो कंप्यूटर चल जाता है, कोई हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही जिसमें मूवीज रखी थी तो कंप्यूटर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रोम होती है। कैश और रजिस्टर कुछ डेटा को इकट्ठा करने का काम करते हैं, इतना आपको जानना है, ज़्यादा नहीं जानना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है इन्फॉर्मेशन टेम्परेरली स्टोर रहती है जब तक उसका काम है, जब काम नहीं है तो वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, ओके। तो रैम और रोम में क्या डिफरेंस है इसको ज़रा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। कैश मेमोरी का मतलब है हिडन मेमोरी जो प्रोसेसर के अंदर होती है, सिंपल सी बात है, और ज़्यादा उसमें दूसरी तीसरी लाइन पर नहीं जाना है, एक लाइन काफ़ी। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रोम में सबसे पहले पावर जाता है, रीड ओनली मेमोरी सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं रैम और रोम में। रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, जबकि रैम जो है वो वॉलेटाइल है। ठीक है, इसका मतलब कि रोम में जो प्रोग्रामिंग डली हुई है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं चाहिए, वो सेव रहती है, जबकि रैम में आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक करंट चाहिए। ठीक है, तो जिस डेटा को कभी बदलना नहीं है उसको रोम में डाला जाता है, और जिस डेटा को बदलने की ज़रूरत पड़ती है उसको रैम में डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है। वही मेन फंक्शन रैम के भी लिखे हुए हैं, एक तरीके का शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, फास्ट होती है ज़्यादा, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए फास्टर मेमोरी चाहिए, एक प्रकार का टेम्परेरी स्टोरेज ही होता है। वाई समटाइम्स वी नीड टू डिलीट कैश, भार्गवी जी पूछ रही हैं कि कभी कभी मैसेज आता है हमारे पास, चाहे हमारे फ़ोन में हो, चाहे हमारे एंड्रॉयड, चाहे हमारे ब्राउज़र पे हो, कभी कभी बोला जाता है कि कैश को डिलीट करो भाई तभी फास्ट चलेगा, उसका रीज़न क्या है। देखो, कैश मेमोरी जो है, कैश का अर्थ होता है हिडन, कैश का फ्रेंच वर्ब होती है काशे, काशे का मतलब है इंग्लिश में हाइड करना, टू हाइड समथिंग और समवन, इसी से कैश वर्ड निकल के आया है। तो ऐसा नहीं कि कैश केवल आपकी सीपीयू में होती है, सीपीयू में तो होती ही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है तो दिमाग में ठहरती है बहुत ज़्यादा, इसलिए कैश होती है।
ये कैश सॉफ्टवेयर्स में भी यूज़ होती है, ये कैश एंड्रॉयड और विंडोज़ में भी यूज़ होती है। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है स्लो चल रहा है तो एक सेटिंग होती है, उसमें जाके आप अपने एंड्रॉयड की कैश डिलीट कर दो। एंड्रॉयड में अगर किसी ऐप की सेटिंग में गए हो तो वहाँ पे भी कैश डिलीट करने का ऑप्शन आता है। तो कहने का क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर भी कुछ डेटा को सेव करके रखते हैं ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जो डेटा ज़्यादा यूज़ होता है वो सॉफ्टवेयर एक मेमोरी में कहीं यूज़ करके रखते हैं। ये प्रोसेसर वाले कैश से अलग है, फंक्शनलिटी सेम है लेकिन प्रोसेसर की कैश की हम लोग ने बात करी, किसी ऐप की कैश की बात नहीं करी। उसको डिलीट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। कोई ऐप है मान लीजिए, कोई वेबसाइट आपने खोली, उसने कुछ डेटा को सेव करके रख लिया कैश में। कभी ध्यान दिया, कभी फेसबुक की वेबसाइट खोलो पहली बार तो थोड़ा स्लो लोड होती है, लेकिन दूसरी बार वही वेबसाइट खोलो तो जल्दी लोड होती है, क्योंकि बहुत डेटा जो है गूगल क्रोम ने वो एक कैश मेमोरी में डाल दिया है। लेकिन मान लो अगर वेबसाइट में कुछ चेंजेस हो जाएं तो डेटा तो पुराना डेटा कैश मेमोरी में है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। इसलिए बोला जाता है कि अपने ब्राउज़र का या एंड्रॉयड का कैश डिलीट करते रहो, ऐप का कैश डिलीट करते रहो। वो कैश अलग है, वो हिडन डेटा है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला डेटा है, जिसको कि आपके ऐप ने या ब्राउज़र ने सेव करके रख लिया है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी बहुत कम होती है बेटा, 1 MB से भी कम होती है, 200 KB, 300 KB। कैश मेमोरी सबकी अलग अलग होती है, आपके लैपटॉप में जो प्रोसेसर है उसके बारे में नेट पे सर्च कर लीजिए। 5 MB से लेकर 16 MB तक का आपका कैश मेमोरी हो सकती है आपके प्रोसेसर के अंदर। जी हाँ, कैश मेमोरी उस डेटा को सेव करती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फ़ोन में 1 GB से ज़्यादा कैश हो जाता है, सारा आप डिलीट कर दें समय समय पे तो फ़ोन थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, तो रोम की हम लोग ने बात कर ली। स्टार्टअप प्रोसेस जो होता है उसको, उस पर ये काम करता है, परमानेंट स्टोरेज है। और जब बूट स्ट्रैपिंग होती है यानी कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तब ये रोम स्टार्ट होती है। रोम भी बहुत छोटी चिप होती है, उसमें 4 MB तक की ही जगह होती है, ज़्यादा जगह नहीं होती। आप सबने कभी कभी कंप्यूटर लैपटॉप चलाया है तो एक नीले रंग की स्क्रीन देखी होगी, नीले रंग की या कहीं कहीं पे काले रंग की या नीले सफ़ेद रंग की स्क्रीन होती है, जिसमें CPU का नाम लिखा रहता है, बूट ड्राइव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। कभी कभी जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो आपके सामने बूट स्क्रीन भी आ जाती है, वो रोम के अंदर से आती है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं, नोट्स में आज डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की। कैश डेटा को हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा ना करें, लेकिन अगर आपकी डिवाइस स्लो चलने लगे, ऐप स्लो चलने लगे, ऐप सही से काम ना कर रही हो, कोई वेबसाइट सही से खुल ना रही हो, कभी कभी YouTube आप खोलें तो YouTube पे वीडियो आगे ही नहीं बढ़ता। किसी के साथ ऐसा हुआ है, क्रोम ब्राउज़र पे आप YouTube खोलें वीडियो ही नहीं चलता, तो क्या हो गया, जो सेव करके डेटा रखा है YouTube का गूगल क्रोम ने वो थोड़ा करप्ट हो गया है, तो कैश को डिलीट करना पड़ता है और YouTube चलने लगता है ठीक से। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, जैसा मैंने बोला कि ये स्टोरेज होता है, यानी कि जो डेटा सेव करना है वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। कई प्रकार का होता है, सबसे पहला होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबको पता होगा, आप लोग के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होगा। हार्ड डिस्क एक स्टील का एक चौकोर बॉक्स जैसा होता है, उसको आप खोलेंगे तो अंदर एक डिस्क लगी होती है, बिल्कुल CD प्लेयर जैसे एक डिस्क होती है, मेटल की डिस्क होती है, वो घूमती है। कभी आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करके कान लगाएंगे तो कर 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 घूमता हुआ भी आपको कुछ समझ में आएगा, ये हार्ड डिस्क होती है जो कि घूम रही होती है। अब इसका रिप्लेसमेंट आया है SSD का, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछा गया कि रमेश ने लैपटॉप लिया, अब उसका लैपटॉप जो है पहले से हल्का है, पहले से कम पावर लेता है, पहले से ज़्यादा फास्ट है, तो बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी उसके लैपटॉप में यूज़ हुई। तो उसमें यही था आंसर में कि SSD यूज़ हुई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर कोई गोला घूमता हुआ नहीं होता हार्ड डिस्क जैसे, ये एक चिप होती है, चिप मेमोरी में आपका डेटा सेव होता है, इसलिए पावर कम लेती है, वेट कम होता है, परमा मतलब ख़राब नहीं होती। जैसे
हार्ड डिस्क जो है आपकी वो घूम रहा होता है गोला। अब मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो अब ट्रेन में तो लैपटॉप भी उछलता रहता है हर चीज़ के साथ, तो ऐसे में अगर आप हार्ड डिस्क घुमा रहे हैं अपने लैपटॉप की, तो वो हार्ड डिस्क भी उछल रही है और वो उछलते उछलते ख़राब हो सकती है। समय के साथ भी चलते चलते वो हार्ड डिस्क घिस सकती है। ये प्रॉब्लम्स SSD के अंदर नहीं हैं, और क्योंकि कुछ घूमने का मैकेनिज्म नहीं है तो पावर भी बहुत कम लेती है, तो बहुत बढ़िया, फास्टर और नॉइसलेस, नॉइज़ भी नहीं करती और बहुत बढ़िया है ये अब नए ज़माने के कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही है। फिर आता है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप जानते हो USB ड्राइव कहलाता है, जो इसमें भी चिप लगी रहती है मेमोरी के रूप में, आप तुरंत प्लग एंड प्ले करते हैं। PDF वगैरह का प्रिंट आउट आप लोग इसी से निकालते होंगे, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप में फ़ैन की आवाज़ भी आती है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, साहबा जैसे बोल रही हैं, दोनों ही चीज़ें घूमने मूविंग दो चीज़ें आपके लैपटॉप में हैं। एक फ़ैन लगा है जो CPU की गर्मी को बाहर निकालता है, दूसरा हार्ड डिस्क लगी है जो खुद गोल घूमती है। तो अगर आप हार्ड डिस्क को हटा दें तो फ़ैन की आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, केवल CPU वाला फ़ैन आपको सुनने को मिलेगा। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जैसे बदल रही है, तो CPU इतने एफिशिएंट होने वाले हैं कि वो गर्मी नहीं बनाएंगे और फ़ैन की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एग्जांपल है नए ज़माने का मैकबुक एयर जो M1 चिप के साथ आता है। M1 चिप जो है इंटेल की चिप जैसी गर्मी नहीं छोड़ती है, तो बहुत पतला लैपटॉप एप्पल वालों ने निकाला है जिसमें फ़ैन नहीं लगा हुआ है। SSD की स्पेस बेटा कुछ भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, आप कितने TB की या कितने GB की आप खरीदते हैं। फिर SD कार्ड है। SD कार्ड आपको पता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, मेमोरी कार्ड जिसको आप लोग बोलते हो। फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क CD, और CD भी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो है वो गोला घूमता था और उससे डेटा जो है आप रीड कर पाते थे। पहले ज़माने में CD प्लेयर आते थे उसके लिए। फिर है हमारा DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो CD से और बेटर है, ज़्यादा डेटा अंदर ले सकता है। और ये CD और DVD R और RW वर्जन में आते हैं, ठीक है, सॉरी CD और DVD दोनों ही ROM और RW वर्जन में आते हैं। तो एक कभी अभी ये पिछली बार ही क्वेश्चन आया है, CD ROM का फुल फॉर्म क्या है, और इसी के साथ एक और टर्म होता है CD RW। CD ROM मतलब होता है CD रीड ओनली मेमोरी, जिस CD को आप एडिट नहीं कर सकते, जिसमें जो डेटा है वो डेटा है, जैसे मूवी खरीद करके लाए, CD लेकर के आए, तो आप CD में दूसरी मूवी नहीं डाल सकते, तो वो CD ROM का एग्जांपल है। और CD RW क्या है, रीराइटेबल। ये क्या है, ऐसी भी CD होती है जिसका डेटा डिलीट करके नया डेटा डाल सकते हो, तो वो रीराइटेबल CD है। राइट एंड राइट, राइट और रीड, हाँ ठीक है। तो अब देखिए रजिस्टर मेमोरी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। रजिस्टर मेमोरी जो है, जिसकी हम लोग ने बात करी, जो फास्टेस्ट होती है, यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, जो CPU के अंदर होती है। ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये CPU के अंदर लोकेटेड होती है। और स्मॉलेस्ट डेटा जो है ये अपने पास होल्ड करती है। वही एग्जाम्पल कि 20-50 मीटर घर से दूर कुआं है, तो बार बार कुएं पे जाके पानी थोड़ी पियोगे, थोड़ा थोड़ा बोतल वोतल भर के अपने पास रखोगे ना। तो यही CPU भी करता है कि स्मॉलेस्ट डेटा को होल्ड करने के लिए CPU के बगल में एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाती है, ताकि बार बार उसको RAM के पास ना जाना पड़े, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें वही हैं। और इसका साइज़ हम लोग देख लेते हैं, बहुत छोटे साइज़ का ये होता है, 32 बिट्स से 64 बिट्स तक का ये रजिस्टर मेमोरी होती है, और बाकी 0 से 1 जो बाइनरी डेटा होता है वो उसके अंदर स्टोर करता है। ओके, अगला है कैश मेमोरी। तो रजिस्टर के जस्ट बाद क्या आती है, कैश मेमोरी आती है। तो यहाँ चित्र भी बना है, इसको आप देख लें। तो यहाँ रैम से डेटा जाता है कैश में, कैश से जाता है माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर में। प्रोसेसर में अगेन इसके अंदर ही एक रजिस्टर मेमोरी होती है, फिर उसमें डेटा जाता है। तो ये कैश मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी स्मॉल साइज़ की है, रैम से भी ये फास्ट होती है, और
अगेन इसका भी सेम काम है कि परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए सीपीयू की इसको यूज़ किया जाता है। कैश मेमोरी भी सीपीयू के अंदर होती है और बाहर ये नहीं लगी होती है, और वही जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा होता है ये कैश के अंदर रहता है। ठीक है, तो इट मेक श्योर कि डेटा जो है वो सीपीयू को अवेलेबल सही समय पे हो जाए। ठीक है जी, तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो कंप्यूटर मेमोरी के हायरार्की भी है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ये चार्ट जो है, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, इसको आप ध्यान से देखिए। स्पीड, कॉस्ट और साइज का कंपैरिजन किया गया है रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क के अंदर। तो जितना आप ऊपर जाएंगे आपकी प्राइस बढ़ेगी, हार्ड डिस्क सस्ती, रैम उससे महंगी, कैश उससे महंगा, रजिस्टर उससे महंगा, तो कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है ऊपर जैसे जाते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं साइज कम होता जा रहा है, तो हार्ड डिस्क का साइज बहुत ज़्यादा होता है, रैम का उससे कम, कैश का उससे कम, रजिस्टर का उससे कम। और अगेन स्पीड भी यही है, जितना ऊपर आप बढ़ते जाएंगे स्पीड आपकी और तेज़ होती जाएगी, हार्ड डिस्क की सर्टेन स्पीड होती है, रैम की उससे ज़्यादा, उससे फास्ट, कैश उससे फास्ट और रजिस्टर उससे फास्ट। तो यहाँ तीन की कंपैरिजन आपकी दी है, स्पीड, साइज और कॉस्ट की। ये क्वेश्चन आते हैं स्पीड को अरेंज करने के लिए कि किस मेमोरी की स्पीड कितनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको डाल दूंगा, उस पर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं मेमोरी वर्सेस स्टोरेज की। तो अगेन जैसा मैंने आपको बता दिया है, स्टोरेज स्लो है, परमानेंटली सेव करता है डेटा को, और रैम जो है हमारी परमानेंटली नहीं करती डेटा को स्टोर, लेकिन वो फास्ट होती है। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और चलिए अब हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी हैं जिसको हम लोग कल कर लेंगे, जो हम लोग ने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं ये हम लोग कल देख लेंगे। आज फिर क्लास है, प्लस क्लास भी है 3 बजे, तो अभी मुझे वो करनी होगी। कल जब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो लेटेस्ट PYQs में आए थे, और उसके बाद आगे का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो KB10 कोड ज़रूर से यूज़ करिएगा सब बच्चे, 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए अनअकैडमी के ऊपर। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलो गाइस, थैंक यू फॉर